चलो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। जितना हमने कल बेसिक्स में डिस्कस किया था उससे मोटा मोटा आपका काम बनता है। आइडियली एक क्लास और जिसमें थोड़ा सा कैश के ऊपर डिस्कशन कर सके वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। थोड़ा सा जो एकेडमिक पीस है बुक्स के हिसाब से वो स्टार्ट कर लेते हैं। जो कैश वाला बात जो मैं बोल रहा हूँ, जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू कैश एंड वैल्यूएशन, ये दो बातें रहती हैं। कल हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का जिक्र किया था, राइट? वी टॉक्ड अबाउट हाउ एक्चुअली अगर आप देखोगे तो क्लास का 90% पीस वॉज अबाउट हाउ वुड द वेल्थ स्टेटमेंट मूव। वेल्थ स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट किस तरीके से मूव करती है, हमने कल तो ऑलमोस्ट यही सुना समझा, ठीक है? अगर आप एक्चुअली नोटिस करोगे ना तो मैं आपको देता था आइटम्स इनकम स्टेटमेंट वाले एज पर योर ओल्ड थिंकिंग। मैं दे तो रहा हूँ चीजें इनकम स्टेटमेंट वाली लेकिन बोलता हूँ बैलेंस शीट बनाओ। मैं मतलब शायद मैंने अगर कॉल आउट करके नहीं बोल पाया तो अब बोल दे रहा हूँ। आपने कल जो भी पढ़ा, मैं आपको देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए कहता था, वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के लिए कहता था, और इसमें मैंने आपको ये ट्रांजेक्शन दिए जिसमें कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लॉस हो गया, वॉट एवर, करेक्ट? द मूट पॉइंट इज वेरी सिंपल। ये सारे के सारे का इफेक्ट किस जगह पे जा रहा था? द इफेक्ट ऑफ दिस वॉज गोइंग इन इक्विटी। इक्विटी में अर्नड मनी पे जा रहा था इसका इम्पैक्ट, बिल्कुल। सबका इम्पैक्ट अर्नड मनी पे ही जा रहा था। और ये अर्नड पार्ट है क्या? ये एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट ही है। आप एक बार रिलायंस के लिए सोच के देखो, या किसी भी एक ठीक ठाक लेवल या ठीक ठाक साइज की कंपनी के लिए सोच के देखो, डायरेक्टली वेल्थ स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट उनका जो इन उनके जो इक्विटी का पार्ट होगा, जो अर्नड मनी है, वो बहुत टैकी हो जाएगा ना, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन पे उसको चेंज करना पड़ेगा बैठ के। ये देखो ये ट्रांजेक्शन वन, ये ट्रांजेक्शन टू, ट्रांजेक्शन थ्री, अगर ऐसे रिलायंस करने लग जाए तो मौज है जीवन की। क्यों? यहाँ रिलायंस फ्रेश में 2 किलो आलू पैक हुए, वहां उसकी बैलेंस शीट चेंज हो रही है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो व्हाट दे वुड से इज दैट व्हाई डू वी नीड टू एडिट दिस एवरी नाउ एंड देन, लेट अस जस्ट प्रिपेयर अ सेपरेट स्टेटमेंट। एक सेपरेट स्टेटमेंट बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, वहां पे ये सारा का सारा जिक्र आ जाएगा और उसका जो एक फाइनल नंबर होगा वो यहाँ ले आएंगे। तो 12,000 कमाया, 10,000 खर्चा, 2,000 कमाए हुए पैसे 2,000 डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे। आप उसे जनरल रिजर्व नाम से जानते हैं या फिर रिजर्व एंड सरप्लस नाम से जानते हैं, है ना? तो प्रैक्टिकली जो हमने किया वो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट किया है। दो पार्ट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यूएशन। ये दो मुझे बात करने चाहिए आइडियली अभी, बट मैं अभी के लिए पार्क कर देता हूँ। एक छोटा सा चीज जो मुझे यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है वो बोल देता हूँ बस। कल ना जाते हुए किसी कैंडिडेट ने बोला था, आई रियलाइज कि आप लोग जब घर पे ऐसा कुछ सॉल्व करेंगे बैठ के तो फ्रिक्शन रह सकता है। मैंने कहा था कि इक्विटी दिस शोज योर इन्वेस्टेड मनी, योर ओन मनी, करेक्ट? एंड डेट शोज द आउटसाइड मनी। इक्विटी एंड डेट, डेट शोज द आउटसाइड मनी इन्वॉल्व, करेक्ट? ओन्ड मनी के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक इन्वेस्टेड, दूसरा अर्नड, ठीक है ना? हमने उसके बाद ये बात की थी कि हम इन्वेस्टेड और अर्नड में कोई फर्क नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ रहा? इट इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस द सेम थिंग, यस नो विथ मी टिल दिस पॉइंट, करेक्ट? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनमें से कोई एक स्पेसिफिक केस ले लेता, इसे एडिट कर देता हूं बस, मैं सिर्फ एक लास्ट इसमें केस कर रहा हूं एंड देन वी विल जस्ट क्लोज इट। इसका नाम एज इट इज बैलेंस शीट ही रख देता हूँ वापस। ये थे सोर्सेस, ये है एप्लीकेशन। आप लोग अपनी बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी नाम से जानते हैं, इसे एसेट नाम से जानते हैं, है ना? कितना आ रहा है इसका टोटल बताना? वन
माइनस होगी। ऐसे दिखती है ना आपको आपकी बैलेंस शीट। अब ठीक है ना। आगे चलते हैं। एपी इन लाइबिलिटी और एसेट्स। एपी इज इन एसेट साइड बिकॉज मैंने ये डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल कर दिया और ये नॉन करेंट एसेट्स कर दिए। ये ओन मनी, ये आउटसाइड मनी, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, इसके बाद लेट्स से दिस इज अगेन 1 जनवरी 2025, 2023, ठीक है। इस पूरे के पूरे साल में माय कैश प्रॉफिट इज 15 रुपए एंड ड्रॉइंग्स इज 3 रुपीज। ये है इंफॉर्मेशन सेट ए, ये है इंफॉर्मेशन सेट बी। मुझे इसके बाद की वेल स्टेटमेंट बना के दिखा पाओगे? इफ इफ दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन टू यू, ये आपको इनकॉर्पोरेट करना है ऊपर। वुड वी बी एबल टू प्रिपेयर द फाइनल वेल्थ स्टेटमेंट? कैश प्रॉफिट 15, ये चलो इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, रुको एक सेकेंड रुकिए बस। प्रॉफिट ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल 13, कैश प्रॉफिट 15, प्रॉफिट ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल 13, ड्रॉइंग्स 3, कर पाएंगे? कैश प्रॉफिट 15 बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है? मे बी 20 रुपए का सामान बेचा होगा, जो 5 रुपए का खरीदा होगा तो 15 रुपए कमा लिया होगा, हाँ है ना। प्रॉफिट ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल मतलब पैसे कमा, मतलब व्हाट डू कॉल, वी डिड द परचेज, वी सोल्ड इट, बट दैट वाज नॉट इन कैश, इट इज इन क्रेडिट, तो अकाउंट्स रिसीवेबल खड़े होंगे वैसे वाले, ठीक है ना। और ड्रॉइंग्स 3, ये तीन चीजों की एडजस्टमेंट कर पाएंगे बस, करिए ट्राई। अगर आप, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने कल एज इट इज ये नहीं पढ़ाया था, बट इफ यू अटेंडेड यस्टरडेज क्लास यू शुड बी एबल टू सॉल्व, गिव इट अ शॉट, नहीं बनता तो मैं तो हूं ही। एक कैंडिडेट कह रहे हैं आर ऑब्लिक एस क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। या आप लोग अगर इंडियन बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जनरल रिजर्व लिखा रहता है, कल की क्लास देखोगे तो मैंने इसे अर्नड मनी कह दिया था, ठीक है। कैश प्रॉफिट 15 रुपीज, क्या इंपैक्ट आएगा इसका? कैश प्रॉफिट 15 रुपीज क्या होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस पे 15 रुपए ऐड और कैश 15 रुपए ऐड, यस नो। नेक्स्ट है प्रॉफिट ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल 13 रुपीज, तो ये प्लस 13 ओवर हेयर एंड कहीं पे भी पूरे के पूरे वर्किंग कैपिटल में 15 रुपए ऐड हो जाएगा। अभी के लिए वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा था, 55, प्लस 15 रुपीज और ऐड हो जाएगा, है ना। पूरे वर्किंग कैपिटल में ऐड हो रहा है ना, पहले वर्किंग कैपिटल क्या था, वर्किंग कैपिटल वॉज 40, उस पे 15 रुपीज एक ऐड किया, अच्छा उस पे 13 रुपीज एक और ऐड कर दिया, हाँ माय अपॉलोजी, ठीक है 13 ऐड, ठीक है ना। ये कमाया हुआ पैसा जो कैश में रियलाइज हो गया, ये कमाया हुआ पैसा जो मार्केट में ही लगा हुआ है मेरा अभी तक वर्किंग कैपिटल में, करेक्ट। हाँ अब ड्रॉइंग सम बताओ क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम कैश एंड इधर क्यों,
तुमने हमें क्या खुद क्यों का वैसे ये इतने आंसर्स पता है खटाखट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है जो 11th 12th में पूछते हैं वो बुक्स में, अकाउंट्स में, बीकॉम वाले में भी इसके एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राइंग्स है ना। ठीक है, मैं आई प्रॉमिस आई विल अगेन आस्क यू ड्राइंग्स, योर आंसर्स विल डिफर। अब तो आप ड्रॉइंग्स को बहुत अलग तरीके से देखेंगे। क्या कह रहे हैं अभी, क्या करूं? कैश में 3 रुपए हटा दो सर, है ना, और रिजर्व एंड सरप्लस से 3 रुपीज माइनस कर दो। कैश से हटा दो 3 रुपए, समझता हूँ घर ले गए। रिजर्व एंड सरप्लस से 3 रुपए क्यों हटा रहे प्रॉफिट ऐड किया था उसी में चले जाएंगे। ऐसा? या फिर दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये ओन फंड्स हैं, ये आउटसाइड फंड है, जितने ओन फंड्स लगाए थे उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया तो घर ले गए, करेक्ट? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस साल में अगर मुझे टोटल रिटर्न कंप्यूट करना हो, इस साल का मुझे अगर रिटर्न कंप्यूट करना हो इक्विटी वाले पे, तो वो कितना है? एक एक करके करते हैं, जो अभी तक के क्वेश्चन पूछा था पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। आपने बोला ये जो प्रॉफिट है ये 28 आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट ऐड कर लिया, पहले वर्किंग कैपिटल 40 था, आपने इस पे 28 ऐड कर दिया, करेक्ट? मैंने बोला 3 रुपीज ड्रॉइंग्स, आपने 3 रुपीज यहां से भी माइनस कर दिए, यही किया ना, पक्का डन? ठीक है, मुझे ये बताओ, ये मुनीमगिरी तो खत्म, अकाउंट्स वाला काम खत्म, अब एनालिटिकल काम कर लेते हैं। मुझे बताओ साल का इक्विटी का रिटर्न कितना है, साल में इक्विटी वाले ने पैसे कितने कमाए, व्हाट इज द रिटर्न मेड बाय इक्विटी फोक्स इन परसेंटेज टर्म्स इन दिस ईयर? ये अकाउंटिंग का काम दिया था कि ये ओरिजिनल बैलेंस शीट है, ओपनिंग साल के बीच में ये हुआ है, कैश प्रॉफिट, प्रॉफिट ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ठीक है। इससे फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, ये तो सारे धुरंधर है सबने बना डाली, ठीक है। अब ये तो मुश्किल काम था, अब इजी चीजें करते हैं। एनालिटिकली मुझे ये बताओ कि इक्विटी शेयर होल्डर का साल का रिटर्न कितना आया, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय इक्विटी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग दिस ईयर? इफ दिस इज दी होल सोल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, व्हाट मनी, व्हाट रिटर्न डिड इक्विटी इन्वेस्टर मेक ड्यूरिंग द ईयर? इजी कर देता हूं, यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज, साल का प्रॉफिट हुआ 14 रुपीज, कितना पैसा कमाया आपने सर? क्या आपने मतलब टैलेंट नहीं पहचान रहे हो क्या? पता है ना हमें ये बात, 14%। वही सेम चीज यहां करनी है, सेम चीज यहां करनी है। रिटर्न निकालना है आपको इक्विटी शेयर होल्डर का, करेक्ट? फॉर्मूला वाइज अगर सोचोगे तो बहुत क्लियर है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड मनी। इन्वेस्टेड मनी पता है आपने को, इन्वेस्टमेंट तो 90 थी या 50 थी, इन्वेस्टेड 90 है या 50 है? हाँ भाई पक्का, क्या एज ऑन फर्स्ट जैन 90 रुपए इन्वेस्टेड है, 50 रुपए इन्वेस्टेड है, पक्का? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कमाया हुआ है चाहे। अच्छा ये 50 रुपए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि ये मैंने लगाया होगा, और ये 40 रुपए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि ये मैंने पिछले सालों में कमाया था और धंधे में ही लगा हुआ है अभी। अच्छा ये कमाया था निकाल लिया होगा या नहीं निकाला अभी? नहीं निकाला है इसीलिए दिख रहा है। दोबारा इन्वेस्टेड मनी है 90, क्यों? क्योंकि 50 लगाया था, 40 कमाया है लेकिन निकाला नहीं है। तो दो टाइप की चीजें इक्विटी रिजर्व में दिख रही हैं, क्या इन्वेस्टेड प्लस अर्न्ड बट नॉट रिकूप्ड बैक, सही कह रहा हूं ना मैं? और इस साल में कितना कमाया है सर? ये पता होता तो निकाल ही नहीं लेते हम रिटर्न। इन्वेस्टेड अमाउंट था 90, कमाया कितना है इसमें डाउट्स क्या हो सकते हैं?
एक केस हो सकता है 15 रुपए, क्यों कमाया तो 15 है, कैश में तो 15 है। दूसरा केस हो सकता है नहीं, 15 प्लस 13 28 रुपए। तीसरा 28 रुपए था लेकिन 3 रुपए की ड्रॉइंग है तो 25। और उसके बाद एक और चीज ये भी तो सोची जा सकती है ना कि घर कितने लेके गया हूं, सिर्फ 3, घर तो 3 रुपए ही लेके गया, उससे क्या मतलब है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। फॉर दोज ऑफ अस हु थिंक हु से 15 इज द आंसर, 28, 25, 3, सबको 28 लग रहा है, बाकी लोग उठाते नहीं हाथ, बाकी 27.77 और दूसरे वाले आंसर कैसे आ रहे हैं अदरवाइज। ऑब्वियसली 28 इज द राइट आंसर। आपस में बात नहीं रही, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, क्यों बैठा हूँ सभा थोड़ी है, सब आपस में बात करें, कुछ नहीं हो रहा है, मोनोलॉग है, मैं बोल रहा हूँ बीच में आपको सुन लूंगा, आपस में नहीं करनी है बात। मुझे पता है दूसरे आंसर कैसे आ रहे हैं, 28/90, वाई 28, क्योंकि 28 इज दी अर्निंग, ठीक है, डिवाइड बाय 90, यस नो। अच्छा मुझे केस नंबर 2 बोलो, कमाया 28 होता और डिविडेंड बांटा होता 10 रुपए का, तब क्या होता, रिटर्न ऑन इक्विटी तब भी सेम होता, श्योर 100%। अगर अर्निंग ये होती, अगर साल का प्रॉफिट ये होता और डिविडेंड 10 रुपीज होता तो भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी सेम होता, पक्का। बैलेंस शीट में कोई चेंज होता, अगर अभी तो अभी ये बना है 28 और 3 के बेसिस पे, ये 28 और 10 होता तो ये चेंज होता, कैसे चेंज होता, कैश भी -10 कर देते, रिजर्व में भी -10 कर देते, यही कहना चाह रहे हो ना आप लोग, तो बैलेंस शीट चेंज होती लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी सेम रहता, पक्का, श्योर 100%। अगर पूरे 28 रुपए दे देते डिविडेंड, तो डिविडेंड कह रहा हूं सॉरी ड्रॉइंग, तो भी बैलेंस शीट में चेंज आता, फिर 28 -28 हो जाता, कैश भी 28 -28 हो जाता है ना। अगर डिविडेंड बांट देते 28 रुपए तो क्या होता, यहाँ -28 आ जाता, यहाँ भी -28 आ जाता, रिटर्न ऑन इक्विटी सेम रहता, पक्का। मतलब डिविडेंड से रिटर्न ऑन इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लोग कह रहे हैं ड्रॉइंग या डिविडेंड, ड्रॉइंग से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, नहीं पड़ता डिविडेंड से। ड्रॉइंग और डिविडेंड क्या होता है, कुछ नहीं, ड्रॉइंग ही होती है, कोई फर्क नहीं है, डिविडेंड इज ड्रॉइंग, दैट्स इट, नो अदर डिफरेंस। ये बड़ी बड़ी किताबें बनाई गई, बहुत कुछ लिख दिया गया, सब बकवास। ड्रॉइंग इज डिविडेंड, नथिंग एल्स, डिविडेंड इज ड्रॉइंग, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, कुछ भी पढ़ लो, एंड में तथ्य यही है कि डिविडेंड मतलब ड्रॉइंग। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक धंधा चालू किया, तो अभी तक क्या पढ़ते थे हम, BST क्लास 11, सोल प्रोपराइटर, दो भाई है मिलके कर दिया, पार्टनर, ठीक है, देर आर टू पार्टनर्स इन एन LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर अ प्राइवेट, व्हाट डू कॉल, अ पार्टनरशिप फॉर्म, दिस इज केस वन। केस टू, देर आर टू शेयर होल्डर्स ईच हैविंग 50% स्टेक इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज व्हाट विल बी द डिफरेंस। क्वेश्चन समझ आ गया, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो मैंने और मेरे ब्रदर ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की, उसमें हम दो पार्टनर हैं, दोनों का 50, दोनों का वन हाफ स्टेक है, हाफ हाफ शेयर है। केस नंबर टू, हम दोनों ने मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की, दोनों का 50-50% स्टेक है, ये दोनों में क्या फर्क आएगा, ये दोनों लीगल एंटिटी अलग अलग है ना, इन दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है इनमें, कोई फर्क नहीं है इनमें,
कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है, जीरो, देयर इज नो डिफरेंस. मैं कह रहा हूं धंधे पे कोई फर्क नहीं है. ऐसे तो रेगुलेटरी होगा लिमिटेड, अगर आपकी कंपनी है तो आपको आरओसी की ये फलान ये सब नहीं, मैं नहीं जा रहे. एज एन इक्विटी एनालिस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नो डिफरेंस. मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक क्वेरी, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स पूछते हैं, कहते हैं हमारे पास ना ये और ये बिजनेस है और ये आईपी है, लेकिन ये इस एलएलपी में है, इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? ना तो मैं ऐसे ऐसे कर देंगे. वो कहते नहीं ये एलएलपी में, तो मैं क्या फर्क पड़ रहा है एलएलपी में? तो एनीथिंग दैट इज जनरेटिंग प्रॉफिट विल बी वैल्यूड इन द सेम वे. नो, जैसे मैं आपको अपने लिए एक चीज बताता हूँ, आई एम अ सोल प्रोपराइटर इफ यू वॉन्ट टू कॉल इट दैट वे. ठीक है, मैं अपनी, मान लीजिए मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपनी खुद की एक फॉर्म बना सकता हूँ, एक अच्छा सा नाम रख सकता हूँ, है ना, एडवांस्ड इक्विटी एनालिस्ट डॉट कॉम समथिंग. ठीक है, ऐसी एक फॉर्म भी हो सकती है, एडवांस्ड इक्विटी लिमिटेड या वॉट एवर, ऐसा कुछ हो सकता है. आई एंड देन आई कैन गेट इट रजिस्टर्ड इन इनकम टैक्स. मतलब चलो इनकम टैक्स में तो सोल प्रोपराइटर हुआ ही आ जाएगा. आई कैन गेट अ व्हाट यू कॉल जीएसटी नंबर अंडर दैट नेम. आई कैन हैव अ वेबसाइट ऑन दैट नेम. ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ सीए फॉर्म, इट कैन बी केएस एंड एसोसिएट्स. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव नो सच व्हीकल. आई हैव अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन माई सेल्फ, इट इज ऑन माई नेम. अगर मुझे कहीं द नेम, जैसे लिखा आता है ना नेम ऑफ द एंटरप्राइज, मैं वहां पे अपना ही नाम लिखता हूँ, नेम ऑफ द प्रोपराइटर में भी अपना ही नाम लिखता हूँ. वॉट डिफरेंस इज इट मेकिंग? जीरो, निल, नाड़ा, कुछ भी नहीं है. तो मिस नोमर की ये एलएलपी, ये पार्टनरशिप, ये वो फलान ढिकान, कुछ नहीं. डिविडेंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस इज सेम एज ड्रॉइंग्स. आगे चले, मुझे एक बात बताना, मैं इसी में एक चीज ऐड कर दे रहा हूं. मान लो यहां पे सेल हुई थी 500 रुपए की, इसी केस में सेल हुई थी 500 रुपए की, आपको मैंने अभी दिया था रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला था 28/90. ठीक है ना, जितना भी आ रहा हो ठीक है, परसेंटेज में नहीं जाते, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने बोल रहा हूं मैं आपसे. ये निकाला हुआ है ना, ये पहले नाम सुना है ना इसका, नेट प्रॉफिट मार्जिन सुना हुआ? नहीं सुना कभी भी? इवन इफ दिस इज योर फर्स्ट और सेकेंड क्लास, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म बिफोर, नेट प्रॉफिट मार्जिन? कितना होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन बताओगे एक बार? नेट प्रॉफिट कितना हुआ साल में? 28 या 25? 28 या 25? 25. अच्छा एक बार दोबारा देखना, ये कैसे बना, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ना इसका एक्सपेंडेड वर्जन दिखा रहा हूँ. जैसा आपकी बुक्स में पूछा जाता है, बोलते हैं सेल्स 200, सीओजीएस 120, डेप्रिसिएशन, ये आ गया ईबिटडा. भी नाम वाम नहीं पता तो डरना मत, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. नाम वाम से मत परेशान होइएगा. लेस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, मान लीजिए 30, दिस इज 50. ईबिट कितना निकाला था हमने, टैक्स सॉरी प्रॉफिट दो जो वो थे 28, लेस डिविडेंड 3, एंड दिस वॉज 25. ठीक है ना, 28 तक पहुंचना है ना, तो यहाँ पे काट लेते हैं 10 रुपए इंटरेस्ट, 40 रुपीज आ गया ईबीटी लेस टैक्स, 30%. देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो टैलेंट. इसे तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं भूल गया था? मैंने जान के इतना ऐसा फ्रेम किया था. नहीं, ऑब्वियसली आई फिटेड इट है. हाँ ये बना, अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? यही पूछा जाता है ना तुम्हारी बुक्स में, यही स्ट्रेट पूछ लिया था मैंने, सीधा प्रॉफिट बता दिया था, शराफत थी वो भी मेरी. अब बताओ इसमें कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन? नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है? ऑब्वियसली द इक्विटी इन्वेस्टेड
इज 90, द डेट इन्वेस्टेड इज 20, 110 रुपया इन्वेस्टेड है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताना है। कुछ भी नया करा रहा हूँ क्या? ये सब नहीं देखा हमने 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, CACPT, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब देख के आए हम तो। बताओ नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? हाँ हाँ ओके, डिनोमिनेटर इज सेल्स, ये डिनोमिनेटर इज इन्वेस्टेड अमाउंट, सेल्स। चलो ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। मार्जिन जब भी, वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग मार्जिन इट विल बी ऑन सेल्स, ठीक है ना। वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग रिटर्न इट इज ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऊपर वाला था रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर हैड इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है ना। व्हाट विल न्यूमरेटर बी? न्यूमरेटर में आंसर प्रॉफिट। अब बताओ वो कितना है, 28 या 25? हाँ अभी आप 25 कह रहे थे थोड़ी देर पहले। हाउ मेनी ऑफ अस से 28? 25 वाले मत डरना, वो हाउ मेनी ऑफ अस से 25? क्यों 25? सुनना, अगर हम पूरे 28 रुपए डिविडेंड दे देता तो जीरो नेट प्रॉफिट मार्जिन, जीरो। ऐसा सुनना, ये है आपका नेट प्रॉफिट, दिस इज 28, दिस इज 200, योर मार्जिन इज 14%, ठीक है। क्यों? सेल 200 आनी चाहिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो है 28 या 25। आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी हुई है क्लास 11th में, डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नॉट एन एक्सपेंस, पढ़ा नहीं था लाइन? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कहते हैं डिविडेंड इज डिस्क्रिशनरी, इट इज एन अप्रोप्रिएशन, फिर इंटरेस्ट में लिखते हैं इट इज एन एक्सपेंस, नॉन डिस्क्रिशनरी, कंपल्सरी, टैक्स डिडक्टेबल, है ना। इसका क्या मीनिंग है कि आपका इनकम स्टेटमेंट यहीं तक चल रहा है, दिस इज वेयर योर इनकम स्टेटमेंट एंड्स, हाँ या ना, दिस इज वेयर योर इनकम स्टेटमेंट एंड्स। इसके आगे का क्या चीज है ये? अगर डिविडेंड, हाँ अगर अगर मैं आपको 11 12th याद कर रहे हो तो दिस इज P&L अकाउंट एंड दिस इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस नो। व्हाट इज दिस 25 कॉल्ड? 25 के आगे देखो नाम कहाँ लिखा है, करो इसका नामकरण, क्या नाम होता है इसका बताओ? दिस इज द चेंजेस टू रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ या ना, पढ़ा हुआ है तो स्टेट चेंजेस इन रिजर्व ही है ना ये 25। अच्छा यही सेम केस था ना, यहाँ पे 28 ऐड किया था और 3 रुपए का डिविडेंड दिया था, चेंजेस इन रिजर्व कितना आ रहा था? 25, सेम ही था, कुछ नया कहाँ पड़ा है, सब 11वीं 12वीं रिवाइज चल रहे हैं, कर रहे हैं किक करके। साल में पैसा कितना कमाया है? 28, 28 रुपए कमाए, 3 रुपए घर लेके गए, 25 रुपए धंधे में पड़े रहने दे दिए। अब अगले साल जब मैं जाऊंगा, ये अगले साल की ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगले साल धंधे के स्टार्टिंग में मेरे धंधे में मेरा कितना पैसा लगा होगा? 115, हाँ या ना, 115 में से 50 लगाया हुआ पैसा, 65 कमाया हुआ जो अभी तक के निकाला नहीं है, हाँ या ना। सर तो बहुत सिंपल है, क्या इसको पिन पॉइंट कर रहे हो?
इन वन ऑफ द इंटरव्यूज दैट आई कंडक्टेड, जिसमें सिर्फ सीए ऑब्लिक सीएफए की एलिजिबिलिटी थी, मैंने एक बैलेंस शीट, मैंने उस कैंडिडेट से पूछा कि भाई तुम मुझे बताओ तुमने कौन सी इंडस्ट्री में काम किया, उसने इंडस्ट्रीज बताई, मैंने फेवरेट तुम्हारा फेवरेट स्टॉक है कोई भी कंपनी जो तुम्हें अच्छी लगती है, उसने नाम बताया, मैंने लैपटॉप दिया, मैंने कहा इसकी बैलेंस शीट डाउनलोड कर दे, मैंने डाउनलोड कर दी, मैंने कहा इसकी बैलेंस शीट खोल ले, उसने खोल लिया, मैंने कहा इसको पिछले साल में कितना प्रॉफिट हुआ बता, टोटल प्रॉफिट्स अर्नड बाय दिस कंपनी फ्रॉम द इंसेप्शन टिल डेट, उसने कहा रिजर्व एंड सरप्लस, कह रहा ये देखो, मैंने श्योर कह रहा है 100%, ये मुश्किल क्वेश्चन है एक सीए से पूछने के लिए, आप बताओ इज दिस डिफिकल्ट टू, मतलब इज दिस समथिंग जो कि नहीं बनना चाहिए, आंसर होना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमिंड, कहाँ से बता दूं कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट है, सब में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, बैलेंस शीट में देख के किसी का बाप नहीं बता सकता कितना प्रॉफिट हुआ है पिछले सालों में, मैंने इस साल 2800 रुपये कमाए और 28 के 28 डिविडेंड बांट दिए, तो अगले साल की बैलेंस शीट क्या दिखेगी, सेम जैसे लास्ट ईयर की थी, सही बोल रहा हूँ ना, तो इस साल के 28 रुपये तो गोल हो गए, तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, स्पेसिफिक थिंग्स, आई वुड नेवर टेक एन इंटरव्यू इन इंग्लिश, ऑलवेज आई वुड नेवर टेक एन इंटरव्यू इन अ केबिन, जहां पे कोई कैंडिडेट को डर लग रहा है मैं कोट शोट पहनूं, ना वो कैंडिडेट को यार मैं तो ऑफिस में गेट पे नहीं जाता था, हाँ जी आप, हाँ वेयर आर यू वेटिंग, सर मैं रिसेप्शन पे, हाँ मैं आ रहा हूँ बाहर जाऊंगा, और बता कॉफी भी है, चल तो वहाँ कैंटीन में बैठा हूँ, लैपटॉप मेरे हाथ में, लैपटॉप पकड़ा गया, ये कर दे, ये हिंदी में बात करिए, तेरा फेवरेट सब्जेक्ट बता, तेरी इंडस्ट्री बता, तेरी कंपनी बता, तू डाउनलोड कर, ये दिखा मुझे, ये क्या मुश्किल पूछ लिया इसमें, दिक्कत है ना, मतलब कहीं ना कहीं मैं कोई बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो तड़ तड़ आंसर निकलेंगे, इतनी स्ट्रेट सी नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही वो, एंड द सैड पार्ट इज कि यूज नहीं आता वो, जो मुश्किल मुश्किल हम बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे रियल लाइफ में, मतलब आई हैव डन असाइनमेंट्स जिसमें मेरी कंपनी ने 3 महीने के 2-2 करोड़ रुपए चार्ज किए होंगे, और 3 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्याज कैलकुलेट किया कि ये इन्वेस्टमेंट थी इस पे ये ब्याज, ये इन्वेस्टमेंट ये ब्याज, ये पूरा पूरा कंप्यूट किया, एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट बनाई, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चला गया, मेरा ब्याज इतना बनना चाहिए, अगला ये दे रहा, और लंबे लंबे क्लाइंट्स हैं पीछे, ये काम है आगे ब्याज कैलकुलेट करने का, ठीक है वो वहां पे उसको प्रेजेंट उस तरीके से करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये ब्याज मिलना चाहिए, दिस दैट चार्जेस, बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ब्याज कैलकुलेशन काम है, कुछ नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, जब तक के मतलब धंधे को ना धंधे के ही तरीके से समझना पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू इस क्लास में ऐसा हो नहीं रहा है, या होंगे एक दो कैंडिडेट को शांत है, आई एम टेलिंग यू इन द पास्ट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना जिसका अकाउंट्स का पढ़ाई का कोई बैकग्राउंड नहीं है, धंधा चल रहा है जिसका, वो 99% आंसर सारे ठीक ठाक देते जाते हैं, क्यों, उसको धंधा धंधे के तरीके से समझ आ रहा है, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट जार्गन, उसको नाम नहीं चमक रहा है, ये रिजर्व, ये डिविडेंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अंग्रेजों ने दे दिए ना, चीज तो वही हो रही है, वही ड्रॉइंग था, कंपनी बना दी उसी को डिविडेंड बोलने लग गए, क्या फर्क है बताओ, ड्रॉइंग में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में एक बंदे ने 10,000 रुपए निकाल लिए, ड्रॉइंग है, डिविडेंड के केस में क्या फर्क आ गया, एक बंदे को कुछ निकालने की इजाजत नहीं है, जितने पार्टनर होंगे सबके बीच में पैसा बटेगा, तो इसीलिए हर शेयर का हर मतलब व्हाट यू कॉल ड्रॉइंग पर शेयर बना दिया गया, जिसको आप डिविडेंड पर शेयर नाम के जान नाम से जानते हैं, और कोई फर्क थोड़ा है, क्या फर्क है बताओ मुझे, ड्रॉइंग्स कब बटेंगी बताओ, एक धंधे में ड्रॉइंग्स कब बांटी जाती है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट अच्छा कमाया, पैसे हैं, आगे समझ नहीं आ रहा, ठीक है घर जाओ एंजॉय करो, धंधे में अगर पैसा लग रहा है और अपॉर्चुनिटीज दिख रही है तो उसी धंधे में लगाते जाओ, दिख रहा है धंधा सेचुरेट हो गया तो इससे ड्रॉइंग्स कर लो, फिर दूसरे धंधे में लगा देना, यही है ना, डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, When is dividend distributed? When, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज की रेट में which company is more likely to distribute a dividend? Zomato और Infosys? Infosys क्यों? Settled धंधा है, पैसे बहुत आ रहे हैं, बिजनेस सेचुरेट हो रहा है, Zomato नहीं करेगा, अब यही बात अंग्रेजी में कुछ ठीक लग रही है, यही तो ड्रॉइंग वाला केस था, क्या ही फर्क है बताओ, उसको धंधे में स्कोप नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है, I've interacted with लालाजी from the range of 20 CR टू 20,000 CR, हर लालाजी सेम तरीके से ही सोचते हैं, सबको टेबल पे बैठ के वही पेन कॉपी में हिसाब करके, हाँ बच रहा कर नहीं बच रहा रहे, नेगोशिएट कर कितने में बिकता है ये करिए,
सिंपल इतना ही है, दिस इज फाइनेंस। जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, आपको वो बोलने आना चाहिए, दैट इज द ओनली वे यू कैन प्रोग्रेस एटलीस्ट इन फाइनेंस। आई एम नॉट सेइंग यूज हिंदी, दैट्स योर चॉइस, बट एट द एंड ऑफ द डे द क्लैरिटी हैज टू बी वेरी वेरी, मतलब यू यू शुड हैव 100% क्लैरिटी अबाउट थिंग्स। ये नामों में नहीं फंसना है अपने लिए, प्रैक्टिकली एसेंस तो उतना ही आ रहा है। चेंजेस इन इक्विटी 25 है, तो ये क्या चीज था, इसको हम बोलते आए हैं दिस इज चेंजेस टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, इजंट इट, दिस इज चेंजेस टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक बार मुझे सोचने दीजिए और कुछ रह रहा है क्या, दिस इज दिस गुड इनफ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड वाज कि अगर आपको किसी एक साल का प्रॉफिट देखना है तो सही जगह क्या है उसको देखने की, इनकम स्टेटमेंट। एज सच जो रिजर्व्स में चेंजेस होंगे, एज सच दो साल के रिजर्व्स में जो चेंजेस होंगे वो अर्निंग्स तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन अर्निंग्स में से डिविडेंड भी रिड्यूस हो गया होगा, वहां पे अर्निंग्स में से डिविडेंड भी रिड्यूस हो गया होगा। तो आप सिर्फ चेंजेस इन रिजर्व्स को देख के ये नहीं कह सकते कि यही मेरी अर्निंग है, ठीक है ना, आपको अप्रोप्रिएट अर्निंग्स चेक करने के लिए इनकम स्टेटमेंट ही देखना पड़ेगा, नो टू वेज अबाउट इट। बैलेंस शीट, जैसे मैंने भी बोला कि कैंडिडेट से पूछा था बताओ इसके इसके प्रॉफिट टिल डेट के हैं, अगले ने सारे रिजर्व मतलब आज का रिजर्व एंड सरप्लस देके बोल दिया यही, ही इज मिसिंग आउट ऑन अ ग्रेव थिंग यार, डिविडेंड भी तो डिस्ट्रीब्यूट की होगी वो कंपनी ने, उसका क्या, ठीक है, दिस इज इट, नथिंग मोर टू ऐड। वैल्यूएशन और कैश के बेसिक्स की बात करेंगे आगे किसी टॉपिक में, अभी के लिए कॉन्सेप्चुअल पीस जो कि आपके सिलेबस से पर्टेन करता है 101 वो स्टार्ट करते हैं एंड देन विल मूव इट। ये जो हमने अभी डिस्कशन किया दिस विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल व्हेन वी आर स्टडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, अभी के लिए ये डिस्कशन यही एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।